चीन ने अब कह दिया है कि ताकत के दम पर करेंगे कब्जा और सेना न भेजने का वादा भी तोड़ दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ताइवान के लिए, तो वहीं दूसरे पल आखिर भारत के सामने क्यों झुक गया है चीन। जानेंगे क्या है मामला और क्यों 100 भारतीय पहुंचे हैं चीन। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने जब हांगकांग को अपने में शामिल किया था, तब हांगकांग को ये कहा था एक देश दो सिद्धांत पे काम चलेगा, मतलब आप आजाद ही अपने आप को समझो, आप अपना निर्णय खुद लोगे, आप अपनी सरकार खुद बनाओगे और आप अपने फैसले लोगे, लेकिन रहोगे आप चीन के अंदर ही। ये बात हांगकांग को कही गई थी और 50 साल के लिए ये डील फाइनल की गई थी यूके के साथ, चीन ने फाइनल किया था। लेकिन चीन एक ऐसा देश है जिसने हर एक को ठगा है और चीन पर यकीन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। हांगकांग मामले में ये देखने को मिला कि जो वादे किए थे चीन ने, उस वादे को तोड़ते हुए आखिरकार हांगकांग पे कब्जा जमा लिया, अपना शासन कर लिया, हांगकांग को चीन में मिला लिया। हांगकांग एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना। यहाँ पर ब्रिटेन ने भी विरोध किया लेकिन कोई खास फायदा हुआ नहीं और हांगकांग पर अधिग्रहण कर लिया चीन ने। प्रदर्शन भी हुए, आज भी प्रदर्शन होते हैं हांगकांग में, लेकिन ये सारी चीजें बेकार ही चली गई, कोई हांगकांग को बचा नहीं सका। अभी भी वहाँ पर जो प्रदर्शन चलते हैं वो लोकतंत्र की बातें करते हैं, आजाद होने की बातें करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ताइवान को भी ऐसा ही एक संदेश भेजा था चीन ने, जिसमें कहा था कि एक देश दो सिद्धांत के आधार पर आप हमारे में शामिल हो जाओ, आपका अपना रहेगा नियम, आपके राष्ट्रपति अपने रहेंगे, आजाद मुल्क की तरह आप काम करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप भविष्य में भी निर्णय लेने का अधिकार रहेगा आपको, यानी एक देश दो प्रणाली आप मान लो। लेकिन ताइवान ने कहा कि चलो ठीक है, हम अपनी जनता से पूछते हैं। ताइवान में एक जनमत संग्रह हो गया, इस प्रस्ताव को समर्थन नहीं मिला। ताइवान सरकार का कहना है कि केवल द्वीप के लोग ही अपना भविष्य तय कर सकते हैं। और जैसे ही ये जनमत हुआ, चीन को बहुत जोर की मिर्ची लगी कि ताइवान के लोगों ने नहीं चुना उसे। तब जाके चीन ने अब ये कोशिश की कि दो तरफा युद्ध लड़ते हैं ताइवान के साथ, एक तो अपनी सेना को भेज देते हैं और दूसरा ये करते हैं, एक तो ताइवान के अंदर धीरे धीरे ये बातें फैलाना शुरू कर दिया कि चीन के साथ मिल जाओ तो बेहतर होगा, दूसरा ताइवान के ऊपर सैन्य कार्रवाई का मन बना लिया। लेकिन अब जो हुआ है उसके बाद चीन ने ताइवान को लेकर अपने वर्षों से जारी नीति में बड़ा बदलाव कर दिया है और बीजिंग ने कहा है कि वो ताइवान में अपने सैनिकों को या प्रशासकों को भेजने का वादा तोड़ रहा है। बुधवार को जब ड्रिल खत्म होने लगी, जिनपिंग ने एक श्वेत पत्र बनाया और इस श्वेत पत्र में कहा गया कि हम अब आक्रमण करेंगे ताइवान के ऊपर। इस श्वेत पत्र में ये कहा गया कि हम सिर्फ रिहर्सल कर रहे थे युद्धाभ्यास के जरिए और अब हम सीधे सीधे हमला करेंगे और ताइवान को पहले जो हमने ऑफर दिया था एक देश दो सिस्टम वो कुछ भी नहीं चलेगा और अब सीधे सीधे हम इस पर कब्जा करेंगे। अब ये बात तो तय है कि चीन आज न कल ताइवान पर हमला करेगा ही, पर ये चीज भी मालूम है एक देश दो सिस्टम का कोई मॉडल चीन ताइवान पर लागू करने वाला है नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने मौके का फायदा उठाएगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं इसी चीन को घुटनों पे ला दिया है भारत ने। अभी चीन ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए हैं ना, जिन फैसलों को देखकर आप समझेंगे कि चीन के अंदर हड़कंप मची हुई है। चीन जो चाहता था इस ताइवान के प्रति आक्रामक जो चीन हुआ और अब अचानक से चीन ने ड्रिल को बंद कर दी, कल तक ड्रिल को बढ़ाया, आज इस युद्धाभ्यास को बंद कर दिया, आखिर चीन को क्या आभास लगा है। भले वो आक्रमण की तैयारी कर रहा है ताइवान के साथ, पर चीन को तगड़ा वाला रिएक्शन भारत की तरफ से मिला। एक तो भारत और अमेरिका ने घोषणा कर दी कि हम युद्धाभ्यास करेंगे। कहां युद्धाभ्यास करेंगे? चीन से लगती हुई बॉर्डर के पास जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जिसे चीन कहता है मेरा है मेरा है, उसी जगह पे भारत और अमेरिका अपने सेना को उतार रहे हैं। यहाँ पर दबाव बन गया, चीन अगर इस लड़ाई में आगे बढ़ता है तो पीछे नहीं हटने वाला है भारत। वहीं दूसरी तरफ लेह
लद्दाख में दलाई लामा को एयरफोर्स यूनिट के साथ उतार देना ये एक बहुत बड़ा संदेश है चीन के लिए कि हम डर नहीं रहे हैं और हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं। अब तीसरा पॉइंट था जहां पर बेहद महत्वपूर्ण हो गया, वो था जिस तरीके से भारत की वायुसेना ने चीनी वायुसेना को उनके उल्लंघन पे जवाब दिया, जिस तरीके से सॉर्टी लगाना शुरू कर दिया भारतीय वायुसेना ने भी, चीन समझ गया कि यहाँ युद्ध होगा तो सारे देश यहाँ पर उसके पीछे पड़ जाएंगे। दक्षिण चीन सागर में पहले से ही उसने दुश्मनों को पाल रखा है और धीरे धीरे चीन की नीति से दुनिया के देश बौखला रहे हैं। तो अब भारत को अपने पाले में लाने के लिए चीन तुरंत झुकने को तैयार हो गया। हालांकि चीन एक ऐसा देश है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, और चीन की तरफ से पहला स्टेटमेंट आया कि हम भारतीय छात्रों को चीन में वापस लेने को तैयार हैं। जो छात्र यहाँ मेडिकल की पढ़ाई के लिए आए थे और जो बाद में फंस गए उन्हें अब लेने वाले हैं, उन छात्रों के लिए चीन तैयार हो गया। अब दूसरी खबर निकल कर आई है कि चीन पहुंचे हैं 100 भारतीय व्यापारी, और ये खबर बड़ी क्यों है। वंदे भारत के बाद कोई भी फ्लाइट ऑपरेशनल नहीं थी चीन और भारत के बीच। भारत के कई व्यापारी महामारी फैलने से पहले जाते थे चीन और जो भी उनके व्यापारिक कारण होते थे उसको वो पूरा करते थे, लेकिन इसके बाद चीन ने पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी भारतीय नागरिकों के ऊपर और भारतीय नागरिक वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। पर अब अचानक से चीन ने रास्ते खोलने शुरू कर दिए हैं और इस रास्ते खोलने के बाद 100 भारतीय व्यापारी पहुँचे हुए हैं चीन। अब इस चीज से आपको क्या समझ में आ रहा है? यही समझ में आ रहा है कि चीन अब धीरे धीरे भारत के साथ साधारण रिश्ते करना चाहता है, सामान्य रिश्ते करना चाहता है। चीन को समझ में आ गया है कि भारत के खिलाफ होकर नहीं चल सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में परेशानी होने वाली है। भारत का पलड़ा इस वक्त बहुत भारी है, लेकिन अब समस्या ये है कि भारत और चीन के बीच व्यापार धीरे धीरे कम करना होगा, इनकी निर्भरता हटानी होगी। सरकार भी इस चीज को जानती है और सरकार भी धीरे धीरे उस प्रोसेस में बढ़ रही है, लेकिन एक झटके में किसी को छोड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता है। जब तक कोई ऑप्शन नहीं हो तब तक किसी को छोड़ने से अपनी ही हानि होगी। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को अब धीरे धीरे नए ऑप्शन की तलाश करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।